दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि हाउ टू सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट विदाउट एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर इन विंडोज 10। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये फीचर अभी विंडोज 7 में या इसके प्रीवियस वर्जन में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है। जब आप किसी सिस्टम पे, डेस्कटॉप सिस्टम पे, या फिर अगर आप किसी लैन से कनेक्टेड हैं, तो आप अगर उस लैन कनेक्टेड इंटरनेट को अपने सिस्टम से अगर शेयर करना चाहते हैं किसी अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए या किसी भी डिवाइस के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, जैसे कि कनेक्टिव फाइव वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बिना किसी सॉफ्टवेयर के आप अपने लैन हॉटस्पॉट को कैसे शेयर कर सकते हैं एज अ वाईफाई। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप या विंडो की मेन्यू बार पे क्लिक करिए। यहाँ आप सेटिंग में जाइए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग में ओपन करिए। यहाँ पे आपका वाईफाई, एयरप्लेन मोड एंड वीपीएन वगैरह की सारी सेटिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पे क्लिक करिए। दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे इधर बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि वाईफाई, इथरनेट, डायल अप। अगर आप अपने लैन इंटरनेट को वाईफाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, वाईफाई हॉटस्पॉट बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट है, आप इस पे क्लिक करिए। तो आप देखिए यहाँ पे विंडोज 10 के ये लेटेस्ट फीचर में ये ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपके पास विंडोज 10 है, अपडेटेड वर्जन है, तो ये ऑप्शन आपके सिस्टम में, ये ऑप्शन आपके सिस्टम में जरूर होगा। तो आप इस चीज़ पे, मोबाइल हॉटस्पॉट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा, शेयर माई इंटरनेट कनेक्शन विथ अदर डिवाइस। यहाँ पे आप सिंपल ऑन कर सकते हैं इसको। यहाँ से जब आप ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे जो नेटवर्क का नेम दिए हुए रहेंगे, जैसे कि मैंने ही फिलहाल इस चीज़ को गूगल का नेम दिया हुआ है और मैंने ये पासवर्ड सेव किया हुआ है, आप इसको सिंपल एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करके यहाँ पे आप कुछ भी रैंडम, जो भी चाहे, आप अपने नेटवर्क का नेम दे सकते हैं, पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करिए, फिर ये आपकी सेटिंग सेव हो जाएगी। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं, जब आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल या जो भी डिवाइस आप जिस पे इस लैन के नेटवर्क को, यानी कि इस वाईफाई को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपल आप जब नेटवर्क की सर्चिंग करेंगे तो वाईफाई की, आपके वाईफाई की लिस्ट में ये गूगल नेम का वाईफाई शो करेगा। आप उस पर क्लिक करके ये पासवर्ड एंटर करेंगे तो आप कनेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप कनेक्ट होएंगे तो यहाँ पे डिवाइस कनेक्टेड की लिस्ट में वन ऐड हो जाएगा, या आप जितने डिवाइसेस ऐड करते हैं या उसमें कनेक्ट करते हैं उतने डिवाइसेस इधर शो करेंगे। तो मैक्सिमम इसमें 8 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार मैं ये फिर से बता रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ विंडोज 10 के लेटेस्ट वर्जन में ही अवेलेबल है। तो इस तरह से आप किसी अपने लैन नेटवर्क को वाईफाई हॉटस्पॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के।